सीता माता बंधुजन सब चलके यहाँ पे आए, मुझे याद करके माने आंसू भी है बहाए, मुझे याद करके माने आंसू भी है बहाए। मैंने महसूस किया है जैन धर्म एक सच्चा धर्म है, इसमें दिखावा नहीं है। इसके रास्ते पर चलकर आदमी अपना कल्याण कर सकता है। पानीपत में 16 साल की अंशिका और 21 साल की सूरज पंडित साधु और साध्वी बन गए हैं। दोनों ने 22 फरवरी यानी कि कल पानीपत की गांधी मंडी स्थित श्री एस एस जैन सभा में दीक्षा ग्रहण की। इस दौरान दीक्षार्थियों की दर्शनीय रथ शोभा यात्रा गांधी मंडी से सोमाया बैंकेट हॉल तक बैंड बाजों के साथ निकाली गई। आयोजन में विनय जैन देवबंदी ने आध्यात्मिक रंग का काव्य पाठ किया। गायक तरुण मोदी ने भी प्रस्तुतियां दी। साधु साध्वी बनने के बाद प्रवर्तक महाराज ने उन्हें दीक्षा पाठ पढ़ाया। उन्हें बताया कि जैन साधु 5 महाव्रत धारी होता है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। आज से ये दोनों भी इन्हीं महाव्रतों का पालन करेंगे। बड़े ही गौरव की बात है कि आज हमारे जैन समाज में एक मोमुक्षु आत्मा भाई सूरज जैन और मोमुक्षु बहन अंशिका जैन जो एक दीक्षा लेने के लिए जा रही है। दीक्षा का मतलब है कि वो एक सांसारिक जीवन को त्याग कर करके संयम के पथ पर आगे बढ़ रही है। मैं उन दोनों बहन भाइयों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो जिस पथ पर वो बढ़ रहे हैं कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। मैं शासन प्रभु श्री महावीर भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों को इतना ज्ञान ध्यान देना कि ये लोगों का कल्याण करे। ये दीक्षा का मतलब होता है कि ये जो सांसारिक जीवन है, जो ग्रस्त आदमी जो जीता है ऐशो आराम की जिंदगी त्याग करके, एक एक कांटों का सरताज है ये जो पग पग पर ये आपने देखा हो जिस तरह राजसी वेश में थे, अब ये सब त्याग करके एक साधु के बाने में आएंगे, केस आज कटवा करके सफेद कपड़े पहन करके आएंगे और जिंदगी भर कभी कैंची का उस तरह का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी इनको केस उखाड़ने होंगे, साल में 2 बार उखाड़ते हैं, अपने हाथों से उखाड़ेंगे और नंगे पैर चलेंगे। ये नंगे पैर इसलिए चलते हैं कि हम कोई जूते चप्पल पहनते हैं उसके नीचे कभी कोई जीव ना आ जाए, वो मर ना जाए, उनकी हिंसा ना हो जाए। एक छोटी सी छोटी बातों को, एक कीड़ी को भी बचा करके चलते हैं। इनके हाथ में एक रजो अरण होता है जो रात को चलते हैं तो पहले उसको झाड़ू की तरह साफ करते जमीन को, फिर जमीन पर चलते हैं। धन्य ऐसी जैन साधु साधियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। इन साधु संतों की वजह से ही हमारे भारत लिखा हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के दुर्गुड़वा गांव के रहने वाले सूरज पंडित घराने से हैं। उनके पिता विश्राम पंडित खेती करते हैं और मां सुनीता पंडित गृहिणी हैं। वहीं अंशिका दिल्ली के द्वारका की रहने वाली है। उनके पिता सुभाष बंसल दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। सूरज और अंशिका लगभग 4 सालों से जैन धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। पुराने जन्मों का लिखा जोखा मेरे पिताजी से शुरू हुआ, मेरे मन में बहुत बार आया। बच्चे के रूप में वो बच्ची शुरू से ही गुरु चरणों में लीन रहती थी और बस गुरु महाराज की आज्ञा हुई और ये बच्ची जो है गुरुओं को समर्पित हो गई। गुरु का आशीर्वाद हमारे घर में हमेशा रहा है। इनके जो गुरु हैं वो भी मेरी बहनी है। जो गुरु हैं डॉक्टर अक्षता महाराज वो मेरी बहनी है। तो गुरुओं से हमारा हमेशा हमारे घर में पास रहा है। हम ये समझते हैं हमसे बेटी दूर नहीं हुई, हमारे बिल्कुल पास। और जैसे उसके मन की इच्छा थी वो उसने पूरी करी है। वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे। साधुओं के संग ही ज़्यादा रहती थी, बहुत कम स्कूल जा पाई है। बहुत जल्द उनके साथ गुल मिल गई थी और जो भी पढ़ी लिखी है आज गुरु महाराज की कृपा से ही पढ़ लिख रही है, आगे भी पढ़ेगी। और आज जो उसने बोला है मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतना आगे निकल चुके। हमारे परिवार में मेरी 2 बच्चियां और हैं, एक बेटा है और बाकी मेरे और भाई बहन बंधु हैं। मेरी बहन भी जहाँ आई हुई है और यहाँ अगर देखेंगे अक्षता महाराज है, जो मैंने आपको बोला मेरे मन में भी बहुत बार आया था कि मैं ऐसा करूँ, पर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। और जैसे जैसे बड़ा होता है आदमी बड़ा होता चला जाता है, संसारिक चीज़ों में पड़ता चला जाता है, मैं इससे दूर होता चला गया। बट शायद बच्चे के रूप में भगवान ने चाहा मैं बच्चे को इनके साथ मिलाऊं। तो एक और बहन है मेरी यहाँ पे बैठी है, वो भी उनकी दीक्षा से 40 साल पहले हुई, वो भी मेरी। दीक्षार्थी सूरज कुमार जैन ने कहा कि मैं जब सीनियर सेकेंडरी करने के बाद भाई के पास दिल्ली आया तो वहाँ संतों को देखकर सोचने लगा कि ये मुंह पर कपड़ा बांधे हैं, फिर बोलते कैसे होंगे। वह जिज्ञासा ही मुझे ओजस्वी वक्ता रमेश मुनि महाराज के
चरणों में ले गई। मैंने महसूस किया है जैन धर्म एक सच्चा धर्म है, इसमें दिखावा नहीं है। इसके रास्ते पर चलकर आदमी अपना कल्याण कर सकता है। भगवान महावीर सच्चे भगवान थे, उन्होंने सब जीवों के प्रति प्रेम और प्यार का संदेश दिया और जीने दो का संदेश दिया है। इस रास्ते पर चलकर इंसान सुखी हो सकता है। जैन गुरु सच्चे गुरु हैं, सच्चे संत हैं। ये जर जोर जमीन के त्यागी होते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, इस जमाने में भगवान का रूप होते हैं। मेरा संकल्प है मैं इस रास्ते पर चलूंगा, सच्चा संत बनूंगा, भगवान के दिखावे रास्ते पर चलूंगा, गुरु का आज्ञा का पालन करूंगा। आज तक मैं इस संसार में रहते हुए मुझसे जो भूल गलती हुई हो उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। वही दीक्षार्थी अंशिका जैन ने बताया कि वो वैरागी तो 4 सालों से है, उनके सगे भाई भी जैन संत हैं। कहा कि उन्होंने छोटी ही उम्र में ये देखा कि संसार खारा है, इसमें विभिन्न प्रकार के दुख हैं, रोग बुढ़ापा जन्म मरण दुखों के कारण हैं। इनसे छुटकारा केवल संयम को विशुद्ध रूप से पाल कर ही मोक्ष प्राप्त करके ही हो सकता है। इससे पहले भी इन चरणों में आती जाती रहती थी, इनका निश्चल जीवन, इनका प्यार और दुलार, इनका व्यवहार, इनका स्नेह मुझे इतना भा गया कि मुझे सारा संसार ही खारा लगने लगा। मेरी जीवन निर्मात्री, मेरी गुरुनि महासाधकी डॉक्टर श्री अक्षिता सा, जिनका चरण स्पर्शन मेरे लिए पारस बन गया और मेरे लोहे जैसे जीवन को गुरुनि मैया ने कुंदन बना डाला और मेरे अंधकार को गुरुनि जी ने ऐसा प्रकाशित, ऐसा अलौकिक कर दिया जिनका आभार, जिनका ऋण, जिनका उपकार मैं सारी उम्र ही नहीं भूल सकती। मेरा कोमल मन इनकी श्रद्धा और आस्था में कुछ यूं बोल रहा है, मुझे गिरती हुई को उठाना पड़ा, जरा गुरनी ध्यान दीजिए, मुझे गिरती हुई को उठाना पड़ेगा, उठाकर किसी ने लगाना पड़ेगा, उठाकर किसी ने लगाना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि मैं नहीं तेरी दीद के काबिल, मैं मानती हूँ कि मैं नहीं तेरी दीद के काबिल, मगर मुझको काबिल बनाना पड़ेगा, मगर मुझको काबिल बनाना पड़ेगा। पिता माता बंधु जन सब जन के यहाँ पे आए, पिता माता बंधु जन सब जन के यहाँ पे आए, मुझे याद करके माने आंसू भी है बहाए, मुझे याद करके माने आंसू भी है बहाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानीपत में 16 साल की अंशिका और 21 साल के सूरज पंडित साधु और साध्वी बन गए हैं, दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।